हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप सब। सो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज की जो मेरा आप लोगों के साथ रिव्यू करने वाली हूँ, मैं आज जो रिव्यू करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, वो है एक मामा अर्थ का ऑनियन शैम्पू एंड मामा अर्थ का ऑनियन कंडीशनर। सो ये जो मामा अर्थ का ऑनियन शैम्पू है, इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, आप लोग देख ही सकते हो। सो कुछ ऐसे है, इसको आप ऐसे ऐसे घुमा के इसको ये खोल सकते हो आप इसको भी। सो और यहाँ भी एक सेफ्टी का वो दिया गया है, ताकि आपके जो शैम्पू है उसको कहीं मतलब कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो के अगर गिर गया तो वो मतलब निकलेंगे बाहर टूटेंगे नहीं एंड बाहर भी नहीं निकलेंगे आपके शैम्पू। ये जो आपको देख रहे होंगे, ये जो सेफ्टी कवर है ये शैम्पू में दिया गया है। सो आप लोग देख ही सकते हो। सो इसकी जो प्राइस है वो आप लोगों को मैं सबसे पहले बता देती हूँ। सो इसकी प्राइस है 559 रुपीज़, मतलब 560 रुपीज़। तो ये जो मैंने इसको लिया था पर्पल पे से, सो उसमें मैंने बहुत सारा सामान मंगवाया था, तो इसको मेरे को थोड़ा सा मतलब थोड़ा ऑफर में चल रहा था, तो थोड़ा सा मुझे कम में मिल गया था ये वाला जो शैम्पू है। सो ये इसमें आपको 400 ml के प्रोडक्ट मिल जाता है। सो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है ये जो शैम्पू, मतलब बहुत दिन तक चलने वाला है ये जो शैम्पू आपके। इसमें अगर आपको छोटा पैक लेना है तो आप छोटा भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें छोटा भी मिलता है। सो आप लोग छोटा भी ले सकते हो। सो मैंने बड़ा ही लिया, क्योंकि मेरा हस्बैंड भी ये वाला जो शैम्पू है वो यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने बड़ा पैक ही मंगवाया, ताकि हमारा बहुत दिनों तक चले। सो उसके बाद नेक्स्ट जो है मेरे पास है मामा अर्थ का कंडीशनर। सो ये जो मामा अर्थ का कंडीशनर है ये है, इसकी पैकेजिंग भी उसी की तरह है, उसी की तरह इसमें एक सेफ्टी कवर दिया गया है। आप लोग देख सकते हो, ये जो सेफ्टी कवर है इसको आप ऐसे डाल के ऐसे रख सकते हो, ताकि आपकी जो शैम्पू है वो ख़राब ना हो सके कोई भी किसी भी तरह से। तो ये इसकी जो प्राइस मैं बता देती हूँ, सबसे पहले आपको इसकी प्राइस है 349 रुपीज़, मतलब 340 रुपये। सो ये अगर आप लोगों को मतलब इसे छोटा पैक नहीं मिलता है, क्योंकि यही छोटा पैक है इसका। सो इसे बड़ा पैक मिलता है। इसकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है 250 ml का प्रोडक्ट क्वांटिटी आपको मिल जाता है। आप लोग देख सकते हो, इसमें लिखा है 250 ml का प्रोडक्ट क्वांटिटी आपको मिल जाता है। सो ये है एक पैराबेन फ्री, सेल्फिस फ्री एंड देन डर्मेटोलॉजी टेस्टेड फॉर ऑल हेयर टाइप्स, मतलब ऑल हेयर टाइप्स आप इसको यूज़ कर सकते हो। सिलिकॉन फ्री कंडीशनर मार्क्स हेयर सॉफ्ट एंड स्मूथ हेयर। सो आपकी जो हेयर है वो सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएंगे ये वाला, मतलब ये दवा करते हैं कि आपकी जो हेयर है इसमें सॉफ्ट एंड स्मूथ, आपके हेयर को ये सॉफ्ट एंड स्मूथ बना देंगे। सो इसके मैं आप लोगों को डेमो भी दिखा देती हूँ कि ये जो हेयर वो एंड हेयर मतलब शैम्पू है एंड हेयर कंडीशनर है, आप लोगों को कैसा रिजल्ट मिलता है एक ही बार यूज़ करने में कैसा रिजल्ट मिलता है, उसकी मैं आप लोगों को डेमो भी दिखा देती हूँ। सो चलते तो वीडियो में बने रहना जरूर डेमो के लिए। सो डेमो देखने के बाद में आप लोग तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि कैसा लगा आपको। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैंने शैम्पू से अपना बाल धो लिया है, मैंने अपना बाल जो है वो गिल्ला कर लिया है, और इसके बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से धो लेती हूँ, और भी पानी डाल के। सो धोने के बाद मैंने कंडीशनर ले लिया है, तो थोड़ा सा बाल को निचोड़ के ही कंडीशनर लगाना है, नहीं तो जितने भी कंडीशनर है वो पानी के साथ नीचे गिर जाएंगे आपके। तो थोड़ा सा बालों को भी निचोड़ लेना है, ताकि पानी जो एक्सेस पानी होता है हमारे और वो निकाल जाए बालों से। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कंडीशनर लेके मैं थोड़ा सा हल्के हाथों से ऊपर मैं लगा रही हूँ, ताकि हमारी स्कैल्प जो होते हैं उसमें मतलब बालों की लेंथ में ही कंडीशनर लगाना चाहिए एंड बालों की स्कैल्प पे नहीं, क्योंकि स्कैल्प पे लगाने से आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आप बालों की मतलब लेंथ पे ही कंडीशनर लगाए, ज़्यादातर स्कैल्प पे लगाने की मतलब नहीं लगाना चाहिए स्कैल्प पे। तो आप चाहो तो ऊपर थोड़ा सा लगा सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो, मैंने ऊपर थोड़ा सा लगा रही हूँ मैं, क्योंकि ऊपर लगाती हूँ तो थोड़ा सा बाल ऊपर से स्मूथ हो जाएंगे एंड स्कैल्प पे ना जाए, इस तरह से आपको लगाना चाहिए। एंड बाल ऊपर से नीचे के
आपको हाथ जो है ऊपर से नीचे की तरफ लेना है, ताकि जो ऊपर की जो मतलब हमारे बाल जो है वो उलझे ना, तो इसलिए आप ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाना है बालों को हल्के हाथों से। सो नीचे से ऊपर नहीं लेके जाना है, एंड बालों को भी ऐसे नहीं मतलब वो नहीं करना है। सो आप लोग देख ही सकते हो मैंने अपनी मसाज कर रही हूँ, मैं अपना बालों को अच्छे से थोड़ा सा मसाज करना है 2-3 मिनट के लिए। आप लोग देख सकते हो मेरे जो बाल है वो बहुत ही मतलब आप लोग देख सकते हो। सो इसके बाद मैंने थोड़ा सा 5 मिनट के लिए बालों को बांध के रख दिए थे, और एंड इसके बाद मैं अच्छे से बालों को धो लूँगी आप ठंडे पानी से, एंड मतलब वॉश कर लेना है ऐसे बालों को। शैम्पू अब शैम्पू कुछ भी नहीं यूज़ करना है आपको, बालों को ऐसे वॉश कर लेना है बस, और अच्छे से वॉश करना है ताकि हमारा जो एक्सेस कंडीशनर है वो अच्छे से बालों से निकल जाए। तो मैंने बाल अपने धो लिए हैं अब, एंड ड्राई भी कर लिया है। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा सीरम लगा लेती हूँ, क्योंकि ये जो सीरम है लिवॉन का सीरम है। इसकी प्राइस मैं बता देती हूँ, 60 रुपये की इसकी प्राइस है। एंड ये छोटू सा सीरम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं 2 सीरम यूज़ करती हूँ, एक है स्ट्रिक्स का, तो वो मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा छोटा सा ही एक परचेस कर लिया था सीरम लिवॉन का। सो कोई सा भी आप, अगर आपके पास जो सीरम है वो कोई सा भी आप सीरम यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको जो सीरम अच्छा लगे वही आप यूज़ करो अपने बालों पे। सो मैं थोड़ा सा सीरम लेके अपने बालों पे थोड़ा सा मैं लगा लेती हूँ हल्के हाथों से, ताकि मेरी जो बाल है उलझे ना वो, एंड कंघी करने में मुझे थोड़ा सा मदद मिले, क्योंकि कंघी करते के टाइम हमारे बाल बहुत मतलब टूट जाते हैं, तो इसमें हमारे बालों को बहुत नुकसान होते हैं। तो इसलिए सीरम लगाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपके बालों के आप केयर करना चाहते हो तो सबके साथ साथ सीरम भी बहुत ही ज़रूरत है लगाने की। सो मैं अब कॉम कर लेती हूँ, फिर मैं आपके साथ मिलती हूँ। सो आप लोग देख सकते हो मैंने अपने बालों पे कंघी कर लिया है। सो आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे से आपके जो बाल स्मूथ एंड शाइनी हो जाते हैं। सो अगर देख सकते हो आपने, अगर आप लोगों को भी ऐसे स्मूथ एंड शाइनी बाल चाहिए, तो आप ये जो मेरे शैम्पू, ये ममर्थ का जो शैम्पू है एंड कंडीशनर है उसके साथ साथ, तो उसको आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो उसका ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास अभी मैंने लिया नहीं ऑयल, तो मैं ऑयल भी बहुत ही जल्दी लेने वाली हूँ, जो ममर्थ का जो ऑयल है, 1-in-1 वाला जो ऑयल है। सो आप लोग देख सकते हो मेरी जो बाल है बहुत ही स्मूथ हो गया है, बहुत ही, एंड हाथ लगाने में भी मज़ा आ रहा है, तो आप लोग देख सकते हो। सो आप लोग देख सकते हो बहुत ही हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से ये स्मूथ एंड शाइनी बना देते हैं ये जो शैम्पू है। सो आप लोग देख सकते हो। सो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो एंड मेरे वीडियो को पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर क्लिक करके रखना, क्योंकि अगले जो जितने भी मैं वीडियो बनाऊँगी ताकि आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए एंड आप देख सको। सो इसके लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करके रखना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो देखने के मिले बाद में। सो बाय बाय दोस्तों।